शादी कोई और कर रहा है, भुगत कोई और रहा है। इस साल भी सबकी शादी हो जाएगी, बचेंगे सिर्फ हम तीन लोग, मैं, राहुल गांधी और सलमान खान। मजा आया। बोलो मामा, बोलो मामा। वाओ, कितना एक सुंदर सा पैकिंग है, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। आज मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं फर्स्ट टाइम व्हीली ट्राई करने जा रहा हूँ। ये जो जंगल वाली रोड है ना, यही पे हम लोग शूट करेंगे। देख सकते हो आगे का नजारा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग। एक्चुअली सुबह सुबह क्या हुआ था कि कुरियर वालों का फोन आ गया था, उसके वजह से मेरा नींद टूट गया। और क्या प्रोडक्ट आया है वो मैं फ्रेश होकर आप लोगों को दिखाता। अगर आपको कोई भी गाना सुनाई दे रहा है, क्योंकि आसपास किसी का शादी हो रहा है जिसका गाना का साउंड यहाँ तक आ रहा है, रात को मैं ठीक से सो नहीं पाया उन लोगों का गाना के वजह से। शादी कोई और कर रहा है, भुगत कोई और रहा है। इस साल भी सबकी शादी हो जाएगी, बचेंगे सिर्फ हम तीन लोग, मैं, राहुल गांधी और सलमान खान। मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। बोलो मामा, बोलो मामा। बोलो मामा। पुष्पा, तुम्हारा मम्मी का ये देखो, वोटर आईडी कार्ड देखो, एक बार दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, डेट ऑफ बर्थ 1/1/1900। तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा जो साल है अभी कितना चल रहा है? 122। ये है गवर्नमेंट का काम, 122 साल बना दिया इसको। वाह, क्या बात है। कौन है ये लोग और कहाँ से आते हैं? कुछ भी, मतलब कुछ भी। डेट ऑफ बर्थ गलत, सब कुछ गलत। पहले तो नाम गलत था, तो रीअप्लाई किया। आप नाम सही है लेकिन डेट ऑफ बर्थ क्या बोलूं। मस्ती मजाक तो होता रहेगा। अभी इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसमें क्या आया। ये आया है इचक्राफ्ट एम्फोरियम के तरफ से, और पहले हम इसको अनबॉक्स करते हैं। पैकेजिंग क्वालिटी है एकदम जबरदस्त, बढ़िया है। और देख सकते हो, वाओ क्या है, मतलब कितना एक सुंदर सा पैकिंग है, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। और यहाँ पे इसका ब्रांडिंग दिया गया है इचक्राफ्ट एम्फोरियम का। और इसको ऐसे हटाते ही हमको मिल जाता है एक सुंदर सा चीज। वैसे मैं पहले भी देख लिया था, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए फिर से मैं बॉक्स में डाला। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा नाम लिखा है, करके दिखा देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे कितना अच्छे से मेरा नाम लिखा गया है। मैं इसको बाहर निकाल के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये जो है ना, पूरा वॉश प्रूफ है, मतलब जितना भी आप वॉश करो इसका कलर नहीं जाएगा, पूरा गोल्ड प्लेटेड है। और ये बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। अगर आप चाहते हो कि आप भी अपने नाम के साथ ये सब बनाओ, तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। आप इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। इसका प्राइस भी उतना भी ज्यादा नहीं है, आप आराम से अफोर्ड कर सकते हो। तो चलिए मैं इसको पहन के दिखाता हूँ। कुछ इस टाइप का दिखता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा आपका पूरा चमक रहा है। और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये मतलब सोना नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ये सोना है। और ये आप जितना भी बार वॉश करो ना, इसका कलर नहीं जाएगा, ऐसा ही चमकता रहेगा, जो कि बहुत ही एक अच्छा बात है। और देख सकते हो ये बहुत ही पतला डिजाइन है और दिखने में बिल्कुल मस्त दिख रहा है। ये जो ब्रांड है ना, सिर्फ ये सब चीज नहीं बनाता है, और भी बहुत सारा चीज बनाता है। मैं भी कुछ ऑर्डर करने वाला हूँ। जैसे मानो कि आपके पास कोई गाड़ी है, उसका की रिंग है ना, वो आप बना सकते हो कस्टमली। आपका गाड़ी का फ्रंट का जो पार्ट है वो डिजाइन रहेगा, उसके साथ उसका जो नंबर प्लेट है ना वो भी रहेगा। दिखने में बहुत ही मस्त है, मैं आप लोगों को एक मिनट दिखा देता हूँ। गाइस, मैं इस वाला की चेन के बारे में बोल रहा था, देख सकते हो ये है उन लोगों का वेबसाइट। और यहाँ पे कितना खूबसूरत दिख रहा है, ये गाड़ी का लोगो वगैरह, गाड़ी का मॉडल सब कुछ है। और उसके साथ नंबर प्लेट जो है ना वो भी यहाँ पे दे देता है, मतलब आपका जो भी गाड़ी का नंबर रहेगा यहाँ पे प्रिंट होके आएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लगता है। ये रॉयल एनफील्ड का लोगो के साथ देख सकते हो कितना ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और भी बहुत सारा प्रोडक्ट्स मिलेगा, जैसे ये वॉचेस हो गया, और उसके साथ ब्रेसलेट, ये जो मेरे पास फिलहाल है, और ये सब भी मिलेगा, रिंग्स वगैरह सब कुछ मिलेगा। आप लोग जाके चेकआउट करो, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से मोटो ब्लॉक सेटअप में। तो गाइस, अभी मैं निकल चुका हूँ घर से, और कुछ दिनों से मैं मतलब सोच रहा था कि कुछ वीडियो शूट करूँ, तो मुझे एक्चुअली लोकेशन नहीं मिल रहा था। तो मैंने डिसाइड किया मैं रुपशी के साइड में जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे जो एरिया है ना पूरा ग्रीनरी से भरती है, और रास्ता भी बहुत ही ऑसम है। तो वहाँ पे जाके शूट करूँगा। और ऊपर से मैंने एक नया हेलमेट लिया है, जो कि एक्सोर एपेक्स X2। तो मैं अभी फ़िलहाल उस हेलमेट को इस ब्लॉग में आप लोगों को नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि मैं सोचा कि उस हेलमेट के बारे में थोड़ा डिटेल्स में आप लोगों को दिखाऊंगा, तो नेक्स्ट ब्लॉक में आप लोगों को डिटेल्स में दिखाऊंगा। जहाँ पे मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ रूपशी, तो वो एक्चुअली मेरे घर के लोकेशन से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे जाने के लिए कम से कम 20 मिनट लग जाएंगे। आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं फर्स्ट टाइम व्हीली ट्राई करने जा रहा हूँ अपने DOBS 6 में। वैसे तो मैं पहले भी थोड़ा बहुत ट्राई किया, लेकिन वैसे मतलब इंटेंसली ट्राई नहीं किया। तो आज सोचा कि नहीं, व्हीली भी करेंगे और थोड़ा बहुत शॉट भी लेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। और जो भी वीडियो है ना गाइस, वो आएगा मेरा इंस्टाग्राम में,
तो अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम में तो नीचे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ पे जाके आप लोग फॉलो कर लो। क्या ही नज़ारा है, मतलब कैमरे में आपको जो भी दिख रहा है ना नेकेड आइस में उससे भी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। दोनों तरफ मतलब ग्रीन और यहाँ पे सन मतलब अभी राइज हो रहा है सुबह के टाइम में, कितना ही ऑसम दिख रहा है। इस रोड का मैं जितना भी तारीफ करूँ ना उतना ही कम है, देख सकते हो स्ट्रेट रोड एंड मतलब क्या ही बोलूँ, मक्खन जैसा रोड है गाइस, मक्खन जैसा। अभी हम पार कर चुके हैं रूपशिखा एयरपोर्ट और उसके ठीक बाद ये जो जंगल वाली रोड है ना यहीं पे हम लोग शूट करेंगे, देख सकते हो आगे का नज़ारा। और यहाँ पे अगर आपके पास स्पोर्ट्स बाइक है तो यहाँ पे पूरा लीन होके आप मतलब चला सकते हो, कॉर्नरिंग ले सकते हो। इतना सारा गाय है भाई, गाय ही गाय, घूम के पीछे के तरफ जाके फोटो खींच के वापस आएंगे। पूरा रोड ब्लॉक कर दिया। तो गाइस वीडियो शूट इज कंप्लीट और ये जो वीडियो है मतलब रील्स वो आएगा इंस्टाग्राम में, तो अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो करो। और अभी मतलब मैं जाऊंगा डायरेक्टली घर में, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर नए हो ना चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाओ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।